नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पूरा मामला ऑलरेडी पता है। बीएचयू यूजी 2023 का जो पूरा एडमिशन प्रोसीजर है उस पर कल बीएचयू वीसी और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन साथ ही साथ रजिस्ट्रार को ज्ञापन देने वाला हूँ। जो भी समस्याएँ हैं वो पूरा लिस्ट आउट कर रहा हूँ, उसके जो भी एविडेंसेज हैं वो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, जिससे कि हमारी जो बातें हैं वो उन्हें आसानी से समझ में आ जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई करें और ये पूरा जो एडमिशन प्रोसीजर है उसे स्मूथली और पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है कंप्लीट किया जाए। क्योंकि आप सभी को जितनी समस्याएं मैंने बताया वो ऐसी समस्याएं हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो सकता है। तो अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे एक हेल्प चाहिए, मुझे एविडेंसेज और चाहिए। और कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि बस अगर तुम फ्रंट पे आके बोलोगे तो ये बातें उतनी नहीं समझ में आएंगे। जिन बच्चों के साथ ये हो रहा है उन बच्चों के भी अगर क्लिपिंग मिल जाए तो ये ज़्यादा एक तरह से इफेक्टिव हो जाएगा, बातें ज़्यादा ज़ोरदार हो जाएंगी और हम लोग अपनी दावेदारी ज़्यादा बना सकते हैं। सही के साथ हम लोग चल रहे हैं तो हमें डरना नहीं है, ठीक है? आप एकदम घबराना मत। पूरी मैं कोशिश करूंगा कि इसमें हम लोग जिस मुद्दे को लेकर उठाए हैं उस मुद्दे में हमें जीत हासिल हो। और ये पूरी चीजें, बात यहाँ पे जीत हार की नहीं है, बात यहाँ पे है सही और गलत की। गलत हो रहा है उसे सही करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे, ठीक है? कोई नेतागिरी वाला बात तो है नहीं भाई, शैक्षणिक मुद्दे हैं हमारे, उसे पूरा किया जाना चाहिए। सो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने एक एक दो दो पॉइंट का क्लिप बना के मुझे भेजो, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं अपना हाथ में कैमरा लेके। बस इसी तरीके से आप मुझे ज्यादा बड़ा मत भेजना, 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर ही अपने प्रॉब्लम भेजो। एक प्रॉब्लम जिसको अपना एडमिशन कैंसिल कराना है, एक बच्चा मुझे ऐसा वीडियो भेजे, आप सभी लोग भेज दो, मैं उसमें फाइंड आउट कर लूंगा कि किसका मुझे क्लिपिंग शेयर करनी है। एक बच्चा अपना एडमिशन कैंसिल कराने का, मतलब कि सर मुझे एडमिशन कैंसिल कराना है और मेरे पोर्टल पे कैंसिलेशन ऑप्शन क्यों हटाया गया जबकि स्टार्टिंग में था, और ये एडमिशन अगर मैं कैंसिल कराता हूं तो मेरी सीट किसी और को मिल सकती है, तो एक ऐसा वीडियो बना के भेजो एक लोग। दूसरा टॉपिक एक को किसी को बिठाना है जिसके मार्क्स वाली प्रॉब्लम है कि उनका मार्क्स जो है वो ज्यादा है फिर भी उन्हें एडमिशन नहीं मिला। तीसरा मुद्दा उठाना है कि मॉप अप राउंड अभी क्यों, जबकि अभी आपका कमिटमेंट फी के साथ साथ पूरे सब्जेक्ट्स अलॉट करने के साथ जो सीटें खाली हो रही हैं उस पर अपग्रेड किया जाना चाहिए पीछे बचे हुए बच्चों को, उसके बाद जो सीट बचती है उस सीट को मॉपअप राउंड में चलाना चाहिए और उसमें बच्चों को एडमिशन देना चाहिए। ये एक मुद्दा हो गया। एक इनवैलिड वाली जो प्रॉब्लम्स आई थी कि वो एग्जाम दिए हैं सीयूईटी में और उनके सब्जेक्ट्स भी बीएचयू के पर्टिकुलर किसी कोर्स के अकॉर्डिंग है, फिर भी उन्हें नॉट एलिजिबल क्यों दिखा रहा है पोर्टल पे, ऐसा कोई बच्चा हो तो वो भी अपना 1 मिनट का क्लिप बना के भेजे। उसके बाद भी कोई मोरल बेसिस पे बीएचयू को ये बोलना चाहता है कि आप हमारे जीवन के साथ इस तरीके से जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो ऐसा बच्चा भी अपनी क्लिपिंग बना के हमें भेज सकता है। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि भाई देखो, आप अपने लिए नहीं बोलोगे, मैं सच बता रहा हूँ। अभी तक भी देखो बहुत सारे चैनल्स हैं, मुझे लग रहा है किसी का उतना भी कॉन्शियस माइंड एक्टिव हुआ है कि हाँ बच्चों के हित में ये सब चीज़ें करनी चाहिए। रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग को मुद्दा पता नहीं है, लेकिन आपको मैं समझा चुका हूँ कि ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और इस पे निवारण करना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं एकदम एक्टिव हूँ, ऐसा समझ लेना, मतलब मैं पीछे नहीं हटने वाला जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाना है। लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए, क्योंकि ये गलती एकदम मुझे साफ साफ नजर आ रही है और मुझे इसकी जो टेक्निकल पॉइंट्स है, जो इनका रूल रेगुलेशन थ्योरी है ना, ये पूरा मुझे समझ में आ रहा है। ये मैं कर लूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, उस मेरे पे छोड़ दो, लेकिन मुझे बस आपका साथ चाहिए। मुझे ये क्लिपिंग आज रात में मिल जाना चाहिए जिससे मैं कल 9 बजे जो वीडियो दे रहा हूँ ट्विटर ट्रेंडिंग के लिए उसमें मैं उसे ऐड कर सकूं, और 1 बजे के आसपास जब मैं इन्हें ज्ञापन देने जाऊं तो वहां पर मैं एज एविडेंस ये दिखा सकूं, जिससे कि ये बातें उन्हें अच्छे से समझ में आए, असर करे और कम से कम उनका ये जो दिमाग स्लो हो गया वो खुले और हम सभी के हित में विचार करे और जल्द से जल्द इस पूरे मामले को प्रकट संज्ञान में लेते हुए इसका समाधान निकाले। सो मुझे फिर से एक बार आप सभी से अनुरोध करना है, निवेदन करना है कि प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आप अपनी क्लिपिंग बना के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है उसके व्हाट्सएप या टेलीग्राम आईडी पे आप अपना भेज सकते हो, अपना नेम और अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है? बाकी मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि इस पे फिर से विचार जरूर करिएगा, प्लीज ये आपके लिए है, स्वयं के लिए है, आपके भले के लिए है, मैं आपका साथ दे सकता हूं।
और आप मेरा साथ दे दो बस, ठीक है? ओके हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।